हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह उठ के वर्कआउट करके मैंने अपना टारगेट बनाया आज का, जो मेरे मेंटर ने मुझे सेंड किया था। यू गाइस नो कि मैंने पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, तो ये टू डू लिस्ट बुक मुझे वहीं से मिली है। फिर मैंने अपना जो भी आज का टारगेट था वो मेरे मेंटर को सेंड किया, एंड उसके बाद अभी मैं स्टार्ट करूँगी बायो से। तो मुझे सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है, और आज मुझे टारगेट मिला है कि मुझे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करना है। सो आज मेरा टारगेट यही है बायो में कि मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरे से काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि दी आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। तो मैंने ज्वाइन की है पीडब्ल्यू की रियल नीट टेस्ट सीरीज़, बिकॉज आप लोग को तो पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता है, तो हमें ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। एंड पीडब्ल्यू की रियल नीट टेस्ट सीरीज़ में आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपके 6 टेस्ट जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे एंड 4 टेस्ट ऑनलाइन होंगे। तो आपकी ना ऑफलाइन मॉक टेस्ट की भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात आती है कि अब कौन से स्टूडेंट्स इस टेस्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप ड्रॉपर हो, आप सभी इस टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप ड्रॉपर हो और क्लास 12th में हो, तो आपको ना यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा टेस्ट आपके घर पे भी डिलीवर कराए जाएंगे। आप लोगों को टेस्ट का प्राइस बता देती हूँ। तो अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी 3000 में, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी 5000 में। बट आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर डिस्काउंट के लिए। तो अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको ना 400 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे GGW200। एंड अगर आप क्लास 12th में हो और आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर रहे हो GGW500, तो आपको 700 का डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट का शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो नेक्स्ट टेस्ट आपका कब है आप एक बार चेक कर लेना। एंड फ्रेंड्स, ये टेस्ट बिल्कुल एग्जाम जैसा होगा, जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है, कि आपको ना टेस्ट से पहले एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा ऑफलाइन टेस्ट में, एंड उसके बाद आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। आपको सेंटर पर जाना है, वहाँ पर चेकिंग होगी, फिर आपका पेपर होगा, तो पूरा एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको। लास्ट ईयर पीडब्ल्यू ने एक ही रियल ऑफलाइन टेस्ट कराया था, बट इस बार ना पीडब्ल्यू ने 6 रियल ऑफलाइन टेस्ट रखा हुआ है, जिससे हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है realtest.pw.live, एंड उसके बाद ना आपको रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, एंड उसके बाद आपका एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके जीमेल में आएगा, आपको वहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना है, फिर से वेबसाइट पे आके लॉगिन करना है, एंड उसके बाद अपनी जो भी पेमेंट डिटेल है, स्टेट वगैरह है, वो सब आपको फिल करना है, एंड आपका एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसमें ना आप लोग को पूरा टेस्ट का शेड्यूल दिखेगा, आप जब भी टेस्ट दोगे तो आप वहाँ पर टेस्ट का एनालिसिस भी कर सकते हो, टॉपर से कंपेयर कर सकते हो, और आपके जो भी ऑफलाइन टेस्ट होंगे जो 10 नवंबर को होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड भी आपको वहीं पर शो होगा। और अगर आप लोग ना वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप डायरेक्ट लिंक से भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से आपका टेस्ट मिस हो जाता है ना, तो आपके वो पोर्टल पे रहेगा, तो आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका कोई ऑफलाइन टेस्ट पे मिस हो जाता है, तो वो ऑनलाइन आपके पोर्टल पे रहेगा, आप उसे ऑनलाइन जाके दे सकते हो, बट ऑफलाइन आप दोबारा नहीं दे पाओगे, आप उस टेस्ट को ऑनलाइन दे सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर अभी तक आपने कोई भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं ज्वाइन किया, तो आप पीडब्ल्यू रियल टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, एंड इससे ना आपका जो भी फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस होगा ना, वो खत्म होता जाएगा, और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फिर मैंने अपना ना ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला कंप्लीट किया, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बीच बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, बट मैंने अभी लंबा ब्रेक लिया है, जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मुझे मैगी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने मैगी खाई, एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अभ्यास वैसे कर रही हूँ, तो मैं अभी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, लाइक जो भी PYQs हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और इसमें इनकरेक्ट वाला भी जो भी पेज है, उससे सारे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, एंड उसके बाद फिर मैं कुछ नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। बट ऐसा मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैंने बायो स्टार्ट किया तो पहले मैं बायो खत्म करूं, अगर मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो पहले मैं केमिस्ट्री का पूरा टारगेट खत्म करूं, एंड देन उसके बाद अनदर सब्जेक्ट को उठाऊं। मैं कोई भी ऐसे बीच बीच में अगर मैं कुछ भी उठाती हूं, तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि कितना कितना मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं ऐसे ही करती हूं कि सुबह बायो और फिर दोपहर में केमिस्ट्री एंड रात में फिजिक्स, ऐसा मेरा शेड्यूल रहता है। आप लोग अपना बताना कि आप बायो कब करते हो, केमिस्ट्री कब करते हो, एंड फिजिक्स कब करते हो। एंड गाइज, ये मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने शावर लिया, ब्रेक लिया था, और ब्रेक में ही मेरा ये अमेज़ॉन का पार्सल आ गया था, तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे लाइक डेली यूज़ के लिए, तो ये रहा प्लम का शैम्पू, अभी मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बताऊँगी आप लोग का रिव्यू कैसा है। ये है बॉडी स्क्रब कैफीन का, एंड दिस इज़ आईफोन का चार्जर, ये है डॉक्टर शेड की सनस्क्रीन, सनस्क्रीन तो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फियामा जेल, शावर जेल है। एंड उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ा सा, एंड मैं बैठ गई थी फिर 2 बजे से अपना पी ब्लॉक कंप्लीट करने, तो अभी मैं पी ब्लॉक कर रही हूँ, मतलब रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज अभी जस्ट मेरा 11th 12th का ख़त्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, एंड नेक्स्ट डे फिर DNF ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैं पी ब्लॉक का वही नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ। NCERT मेरी मिल नहीं रही थी, पता नहीं मेरी केमिस्ट्री की NCERT चली कहाँ गई, तो मुझे अभी ढूंढना है, और नहीं मिलेगी तो ऑफकोर्स नया ही लूँगी, नई NCERT लूँगी, बट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ढूंढ लूँ कहाँ चली गई है, फिजिक्स की भी नहीं मिल रही, केमिस्ट्री की भी नहीं मिल रही है, सो देखते हैं। लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने कहीं तो रखी थी जब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, अब लेट्स सी सर्च करेंगे कहाँ चली गई। तो अभी मैं नोट्स से ही रिवाइज कर रही हूँ, नोट्स हितेश सर के हैं, तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, सब कुछ डिटेलिंग में है, तो अभी इसको रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि अभी मेरा जो अक्टूबर का टारगेट है वो यही है कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है ना, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से मुझे ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, सो अभी देखते हैं कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। रिवाइज करने के बाद अभी ना मैं जा रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो मेरा टैब चार्ज नहीं था, इसीलिए मैं अभी बुक से कर रही हूँ। तो ये है PW की 37 ईयर PYQ बुक, एंड ये OMR शीट है जो मुझे PCB पॉइंट की तरफ से प्रोवाइड हुई थी, तो अभी मैं इसी में सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताओ कि आपका भी स्टडी रूटीन कैसा चल रहा है, एंड आप लोग के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि दी मेरा डेली टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, तो यार इसका सबसे अच्छा ये है कि जितना आप कर सको उतना ही टारगेट बनाओ, ज़्यादा मत लिख लो अपने टू डू लिस्ट बुक में, बिकॉज अगर आप ज़्यादा लिखोगे वो कंप्लीट नहीं होगा, इससे ना थोड़ा तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन सा फील होने लगता है, और सामने वाला अगर कंप्लीट कर रहा है तो लगता है मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। सो उतना ही लिखो जितना आप कर सको, जैसे मैं उतना ही टारगेट लिखती हूँ जितना मुझे लगता है कि हाँ मेरा कॉलेज के साथ मैनेज हो जाएगा, या फिर कॉलेज का कोई वर्क है तो उसके साथ मैनेज हो जाएगा, या फिर कुछ काम है तो उसके साथ मैनेज हो जाएगा। अगर ज़्यादा लिख लो फिर नहीं कंप्लीट होता तो ऐसा लगता है यार नहीं हो पाया, अब क्या होगा। फिर आज ना शाम को फिर से मेरा एक पार्सल आया था, पता नहीं मेरे आज कितने पार्सल आने वाले हैं। तो ये है स्टडी टेबल जो मैंने ऑर्डर किया है, आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में अब इस ये वाली स्टडी टेबल देखने को मिलेगी। सो काफ़ी रात हो गया था, मतलब 6 बजे आया था पार्सल, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसे हम बना ही लेते हैं, पूरे सेटल कर लेते हैं। तो फिर मैं इसका सब देखने लगी, वीडियो वगैरह ट्यूटोरियल्स की कैसे इसको बनाना है, बहुत कुछ आया हुआ था स्क्रू वगैरह, एंड मैं अकेली ही थी तो फिर मुझे सेट भी करना था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बिकॉज एक बार मैंने सेट किया था सब उल्टा सेट हो गया था, फिर से मैंने सेट किया पूरा, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट अच्छा एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर द डे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।